स्टेट सेंटिनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। लगातार सुबह से डीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 191 सीटों के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों से उन्होंने जीत ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 44, इंडिपेंडेंट 33 पे हैं, पीडीपी 20 पे, कांग्रेस जो है वो 18 पे है, अपनी पार्टी 9 पे, सीपीआईएम 5 पे, जेकेपीसी 4 पे, जेकेपीएम 3 पे, पीडीएफ 1 पे, बीएसपी 1 पे और पैंथर पार्टी 1 पे। ये सीट जो एक सीट पैंथर पार्टी ने निकाली है, ये डूडू बसंतगढ़ से निकाली है, क्योंकि पैंथर पार्टी का माना जा रहा था कि उधमपुर में एक काफ़ी अच्छा होल्ड है पैंथर पार्टी का। लेकिन जो तस्वीरें आ रही, जो रुझान सामने आ रहा है, वो जरूर आश्चर्यचकित कर रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सका। मेरे साथ हैं पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। हर्ष जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी, बिल्कुल। हर्ष जी, जो रुझान आ रहे हैं, जो तस्वीरें साफ हो रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आप उसे सेटिस्फाई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आप पूरे मुल्क में देख ही रहे हैं किस तरीके से उन्होंने गुंडा गर्दी का जो माहौल बनाया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, और किस तरीके से वो जमहूरियत के साथ एक बता मजाक कर रहे हैं, उसका नमूना आपके सामने है। तो इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा जरूरत है। सारे लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन सर, कैसे आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो वैलेट बॉक्स थे, सब कुछ वैसा हुआ, तो किस किस आधार पर ये आप कह रहे हैं? क्यों लगता है आपको कि अभी भी कुछ गलत हुआ है? देखिए, उधमपुर की मैं बात करूं तो यहाँ जो बैलेट बॉक्सेस से जो हुआ था, वहाँ बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन ऊपर से छत ही नहीं थी उस जो काउंटिंग जो स्टोरेज वहाँ बनाया हुआ था उन्होंने हॉल, उसकी छत ही नहीं थी। अगर आप कल भी आएंगे और वहां की वीडियोग्राफी अगर करेंगे तो उसमें उन्होंने खुला रखा हुआ है वो, और जिस तरीके से इंतजामिया ने यहाँ बीजेपी के इशारों के ऊपर काम किया है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसएसपी है, मैं उनको भी इस बात के लिए इल्जाम नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वो बेचारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और बीजेपी के दबाव में आकर उन लोगों ने भी जिस तरीके से बीजेपी को पूरा पूरा अपना समर्थन दिया है, उनको भी तो नौकरी करनी है उधमपुर के अंदर, तो उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है और पूरे तरीके से बीजेपी के इशारे के ऊपर काम किया है। जिस तरीके से हम पहले भी कहते रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं कि जो डीसी है, एसएसपी है, डीसी बेचारे बहुत शरीफ है, एसएसपी एक महिला है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमारा टेलीफोन तक कभी नहीं उठाया। और बीजेपी के लोगों ने इतनी गुंडागर्दी यहाँ मचाई हुई थी, इतने पैसे बांट रहे थे और बैलेट बॉक्सेस में भी जो हेरा फेरी हुई है, उसके लिए हम डीसी और एसएसपी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि वो बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं ना इनकी, बीजेपी की। तो उन्होंने जो ठीक समझा वो किया है, और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही थी कि 12 सीटों के ऊपर 14 में से पैंथर्स पार्टी का दबदबा है जो बना हुआ है, 2 सीटों के ऊपर बीजेपी और पैंथर्स पार्टी का जो है वो टक्कर होगी, लेकिन 14 सीटें पैंथर्स पार्टी जीत सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इंतजामिया को इस्तेमाल किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, और ये हम अपनी हार नहीं मानते हैं, ये अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि बीजेपी पैंथर्स पार्टी से डर गई है और उसने बीजेपी का जो है, बीजेपी ने इस तरीके से जो डीसी का, एसएसपी का इस्तेमाल किया है, इंतजामिया का इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल होगी। मुझे तो तरस आता है इन ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने बीजेपी के कहने के ऊपर जो है पूरा जो है माहौल जो है वो बदल दिया और पैंथर्स पार्टी को जो है वो जबरदस्ती हराया है। तो हम तो अपनी जीत मानते हैं उसको, हमें तो कोई गिला नहीं है। लेकिन हर्षदेव जी, आपने कहा कि जहां वैलेट बॉक्सेस रखे हुए थे उसके ऊपर छत ही नहीं थी, आगे से ताला लगा हुआ था, तो आपने क्यों इंतजार किया आज के ये रुझान आने का, क्यों इंतजार किया आपने, पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे, किससे शिकायत करेंगे रविंदर जी, किससे शिकायत करेंगे, यहाँ सुनने वाला कौन है? यहाँ अमित शाह के इशारे पे काम होता है और गुंडागर्दी से सारे निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझे 4 दिन पहले ये कहा गया था कि अमित शाह ने फोन किया हुआ है यहाँ की इंतजामिया को, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और बाकी लोगों को, कि किसी भी तरीके से पैंथर्स पार्टी को रोक लीजिए,
बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई उनको कोई चक्कर वो है नहीं है, लेकिन पैंथर्स पार्टी किसी भी तरीके से रुकनी चाहिए क्योंकि जम्मू प्रांत में ही बीजेपी है और बीजेपी को रोकने वाली पैंथर्स पार्टी ही है जो जो इस वक्त विकल्प बन के उभर रही है। इसलिए बीजेपी को डर सिर्फ पैंथर्स पार्टी से था और पैंथर्स पार्टी के को हराने के लिए यहाँ मैं आपको बताऊं कि कविंदर गुप्ता ने यहाँ डीसी ऑफिस में कल शाम को एक मीटिंग की जिसमें सारे के सारे जो है वो कैंडिडेट्स बुलाए हुए थे, डीसी को बुलाया हुआ था और हमारे पास गवाह इस बात के हैं कि उन्होंने वहाँ डीसी ऑफिस में मीटिंग की कविंदर गुप्ता ने और जहाँ बीजेपी के एमएलए जो है एक्स एमएलए उनको बुलाया हुआ था और सारे कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था और वहाँ ये मीटिंग में जो है ये तय हुआ कि हमने सब सेटल कर दिया हुआ है और किसी को अब घबराने की जरूरत नहीं है। एक जो सीट डुडू बसंतगढ़ से हमारे रामनगर हल्का से निकली है वो इनकी कैलकुलेशन जो है वो गलत होगी कि हम 3000 वोट नकली डालेंगे तो हमारा कैंडिडेट जो है वो, लेकिन वो उसकी लीड बहुत ज्यादा थी और यहाँ मंजू सिंह भी खड़ी थी और उनकी लीड 4000 बताई जा रही थी कि 4000 वोटों से वो जीतेंगी खून से, लेकिन उन्होंने 5000 के करीब नकली वोट वहां डलवाया और इंतजामिया का इस्तेमाल किया और हम तो जीते हुए हैं, हम तो हमें तो कोई गिला नहीं है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये सब किया है हमें हमें किसी कोई 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 मलाल नहीं है इस इलेक्शन में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से डर चुकी है पैंथर्स पार्टी से और आने वाले वक्त में इनका सुपड़ा हम साफ करेंगे। वोट हमारे कम हो या ज्यादा हो लेकिन लोग हमारे पास बहुत हैं और आने वाले वक्त में इसका खमायजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और लोग जो है वो जो एक जन सैलाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा आने वाले वक्त। एक आखिरी सवाल हर्षदेव जी, आपने बात की उदयपुर की कि वहां पे इस तरह की चीजें सामने आई हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे सांबा के लिए, कठुआ के लिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ पे भी बीजेपी लीड कर रही है और कश्मीर में भी कश्मीर में भी 3 सीटें निकाली उन्होंने। मेरी बात सुनिए ना, जिस पार्टी ने लोगों की जमीनें खाली करा दी, जिस पार्टी ने महंगाई इतनी कर दी, जिस पार्टी ने बेरोजगारों के साथ इतना जुल्म किया, जिस पार्टी ने एक के बाद एक अत्याचार किया, एक के बाद एक सरेंडर किया और लोगों के ऊपर इतने जुल्म किए, उसके बावजूद भी अगर वहां सीटें आ रही हैं तो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके से आ रही हैं और क्या क्या वहां हो रहा है, चाहे वो सांबा है चाहे वो कठुआ है। वहां लाल सिंह जो है उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन अपना किया था लेकिन उसके बावजूद भी उनको या तो किसी केस में फंसा दिया गया या उनको दबा दिया गया, उनको धमकियां भी दे दी गई। ये सब जो हो रहा है, बीजेपी की इतनी गुंडागर्दी है, मैं तो तमाम आवाम से ये अपील करूंगा कि ऐसी तानाशाही सरकार को जो है वो ध्वस्त कर देना चाहिए। इन लोगों को जो है वो अगर लोगों में थोड़ी सी भी जागृति आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम लीडर का नामोनिशान जो है वो मिट जाएगा और मैं यही कहूंगा कि अब थोड़ी सी जागृति जो है वो लाने की जरूरत है। अपनी आंखें खोलिए, हमारे गरीब लोग हैं जो जिनको वो झांसे में ये रखते हैं और जोर जबरदस्ती से दबाव से और इंतजामिया का इस्तेमाल करके इन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें थोड़ा सा जो है अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी लोगों को और जिस दिन हमारे लोग जागृत हो गए उस दिन भारतीय जनता पार्टी का नेस्ता नाबूद हो जाएगा जम्मू प्रांत से और कश्मीर में तो ये है ही नहीं। कश्मीर में भी इसी तरीके से इन्होंने एक दो जो सीट ली है वो इसी तरीके से ली हुई है। हर्षदेव जी, क्या लगता है आपको आने वाले चुनावों में, जो जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव होंगे, तो पैंथर पार्टी को और ग्रास रूट में जाने की जरूरत है, लोगों के साथ और विश्वास बनाने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, हम तो जाएंगे ही, लेकिन हम तो हार कर भी जीते हुए हैं रविंदर जी। ये लोग जीत कर भी हारे हुए हैं क्योंकि इनके साथ लोग नहीं है लेकिन इनके साथ ठप्पे हैं, ठप्पे हमारे साथ लोग हैं और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि लोगों का मुकाबला अगर कर लें, यहाँ जो सेंटर के मिनिस्टर्स आए उनके जलसे में 50 और 100 से ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन हमारे पब्लिक मीटिंग में 2000 लोग थे। आज सारे लोग थू थू कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने रिगिंग की और जिस तरीके से इंतजामिया को इस्तेमाल करके
ऑफिसर्स को इस्तेमाल करके, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके इन्होंने अपने लोगों को जिताया है, उसके लिए लोग इनके ऊपर थूक रहे हैं और हम समझते हैं कि यही हमारी जीत है। शुक्रिया हर्षदेव जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हर्षदेव सिंह जी, पैंथर पार्टी के चेयरमैन, जिन्होंने साफ किया है सेटिस्फाई नहीं है वो। जाहिर सी बात है जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, कोई ना कोई रिएक्शन तो पार्टी की तरफ से आना ही है। लेकिन अभी तक की बात की जाए, जो हमारे पास सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, सरकारी साइट पे जो आंकड़े आ रहे हैं, 191 सीटों पे अभी तक रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 53 पर जीत गई है, एनसी 44 पे, इंडिपेंडेंट 33 पे, पीडीपी 20 पे और कांग्रेस 18 पे। माफ़ कीजिएगा, जब से हम ये लाइव कर रहे हैं आंकड़े तो नंबर चेंज हो गए। मैं फिर से बता दूं, अभी तक जो टोटल जो नंबर सामने आए हैं, अभी तक कितनी सीटें जीती हैं वो नंबर बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक 56 सीटें जीत चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटें जीत चुकी है, इंडिपेंडेंट 37, पीडीपी 23, कांग्रेस 19, अपनी पार्टी 9, सीपीआईएम 5, जेकेपीसी 5, जेकेपीएम 3, पीडीएफ 1, बीएसपी 1। शायद बीएसपी ने ये सीट निकाली है, मुझे लगता है मेरे सहयोगी राहुल मुझे बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट कठुआ से निकाली है, शायद कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ से एक सीट निकाली है। ये बड़ा शायद उन्होंने अच्छा काम किया होगा वहाँ पर। और पैंथर पार्टी 1, ये डूडू बसंतगढ़ की सीट है जो पैंथर पार्टी ने निकाली है। हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी थे, जिन्होंने सारा हमारे साथ जानकारी शेयर की और वो थोड़े सेटिस्फाई नहीं हैं। वो इंतज़ामिया से उन्होंने काफ़ी उन पर सवाल भी खड़े किए हैं कि होता है ये चलता है, ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन लोगों में विश्वास जगाना ये बहुत ज़रूरी रहता है। भारतीय जनता पार्टी DDC के जो इलेक्शन हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रही है। और कश्मीर में भी तीन सीटों पर वो विजयी रही है, और जो इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट रहा है जो बीजेपी का, उसमें भी 20 से 22 सीटों पर उनकी लीड बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये रुझान मैंने आपके साथ शेयर किए। अब फाइनल क्या रहेगा, 280 सीटों पर जब पूरे रिजल्ट आ जाएगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार हम सुबह से आपको अपडेट कर रहे हैं और करते रहेंगे। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।